और एक और बड़ी खबर, दिल्ली के नरेला में फिर भड़की आग। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर अब आग लगी। फायर फाइटर्स फैक्ट्री में आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कल ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था मुंडका अग्निकांड को लेकर, और अब खबर नरेला की फैक्ट्री से जहां पर दूसरी मंजिल में आग लगी है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मुंडका में भीषण अग्निकांड के एक दिन बाद फिर बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के नरेला में बीती रात प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। घटना बीती रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के एच ब्लॉक में एक फैक्ट्री में आग लगी, जहां पर प्लास्टर का काम होता था। चश्मदीद ने बताया कि आग लगने की जानकारी सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मिली और फिर लोगों ने फायर विभाग को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई, जो कि बिल्डिंग के दूसरी और तीसरी मंजिल तक भी जा पहुंची। आग की लपटें इतनी तेज और भयानक थी कि फायर फाइटर्स को आग बुझाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया। दमकल कर्मियों ने स्काई लिफ्ट की मदद से ऊपर की मंजिल पर फैली आग पर काबू पाया। गनीमत यही रही कि आग लगने के समय फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था और फैक्ट्री बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई आग की घटना ने तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और दिल्ली के नरेला में जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने उसका जायजा लिया। देखिए मानववाद यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नरेला की जिस फैक्ट्री में करीब रात 9 बजे से आग लगी थी, वहां पर आग की लपटें बीच बीच में फिर से उठने लगी हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और आग पर काबू पा भी लिया गया था, लेकिन 4 घंटे के बाद अचानक से जो फैक्ट्री की दूसरी मंजिल है वहाँ पर एक बार फिर से जो आग की तेज लपटें हैं वो यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरों में जो धुआं है, काला धुआं आपको दिखाई पड़ेगा। जो फैक्ट्री का पीछे का हिस्सा है वहाँ पर आपको जो आग की लालिमा है वो आपको उठती हुई दिखाई पड़ेगी। बता दें कि ये घटना करीब 9 बजे के आसपास की है और समय तकरीबन अभी 1:30 बजे का हो चुका है, यानी 4 से 5 घंटे होने के बाद भी जो आग है उस पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया जा सका है। हालांकि फायर विभाग की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर आग पर काबू पाने में लगी हुई थी, लेकिन जो फैक्ट्री का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर बार बार आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब स्काई लिफ्ट के जरिए फायर कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं कि जो आग है उसको पूरी तरह से बुझाया जाए, जिससे कि जो आसपास की इमारतें हैं, आसपास की फैक्ट्री है, वहाँ तक ये आग ना फैले। अगर आपको इस इमारत के बारे में बताएं तो इस इमारत में ये 3 मंजिल इमारत है और इसमें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ये फैक्ट्री कई दिनों से बंद थी और शनिवार का दिन होने के कारण यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। ऐसे में गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।